देखिए, माफिया अपराधी इन सबको संरक्षण मिलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में, बुआ भतीजे की सरकार में, जहां आम आदमी का उत्पीड़न होता था, इनका डर खौफ भय होता था। आज माफिया खौफ में, बच्चों के मिड डे मील में भी घोटाला कर जाए, लोगों के पीने के पानी में जल शक्ति मिशन में घोटाला कर जाए, भारत सरकार से आए अनाज के कोविड के टाइम पे उसमें इनकी हेराफेरी हो जाए, ये एक नहीं अनेक उदाहरण ममता बनर्जी जी के भ्रष्टाचार के इनके सरकार के आगे आए हैं। और नौकरियों के नाम पर खुली छूट और करोड़ों रुपए डकारने वाले इनके मंत्रियों के चेहरे भी सामने आए हैं। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सम्मान की बात है और भारत के बढ़ते कदम, भारत का नेतृत्व आज दुनिया में भारत को नई पहचान दिला रहा है। देश भर में अनेकों मीटिंग एंगेजमेंट ग्रुप की, शेरपा ग्रुप की हो रही है, इसके अलावा भी बहुत सारे डायलॉग देश भर में G20 को लेकर हो रहे हैं कि दुनिया भर के लोगों को जो भारत में आएंगे, हज़ारों लोगों का यहाँ पर आना हो रहा है, वो हमारी कला संस्कृति साहित्य देश को जानने का अवसर भी मिलेगा और भारत कैसे नई तरक्की कर रहा है, नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है उसको जानने का अवसर भी मिलेगा। हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए भी मोदी जी ने सौगात दी है, हम उनका आभार प्रकट करते हैं और आशा करता हूं हिमाचल की सरकार भी यहां पर पूरे प्रबंध अच्छे करेगी ताकि जो भी व्यक्ति यहां पर आए एक अच्छी यादें हिमाचल की लेकर जाए। G20 के जो देश हैं वो ये मानते हैं कि क्रिप्टो को लेकर जो फैसला है वो वैश्विक स्तर पर होना चाहिए, इसको लेकर क्या कहते हैं? क्रिप्टो को लेकर बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और फ्लक्चुएशन जो आप मार्केट में देखते हैं वो किसी भी निवेशक के लिए चिंताजनक भी हो सकता है। और जब दुनिया भर के देश इस पर अपनी सोच विचार आगे रख के चर्चा करें उसके बाद ही निर्णय। यूपी में जो एनकाउंटर हुआ है उसको लेकर के सपा और बीएसपी ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि भाजपा जो है न्यायालय में विश्वास नहीं रखती है। देखिए, माफिया अपराधी इन सबको संरक्षण मिलता था समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में, बुआ भतीजे की सरकार में, जहां आम आदमी का उत्पीड़न होता था, इनका डर खौफ भय होता था। आज माफिया खौफ में, माफिया को डर लगता है कि अपराध करेंगे तो सजा भुगतने पड़ेगी। एआई के चीफ जो है, वैसे उनका कहना है कि भाजपा धर्म के आधार पर जो है एनकाउंटर कर रही है अपराधियों का, आतंकवादियों का, कोई धर्म नहीं। इसके साथ बात करें तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है बार बार जो है बंगाल का जो फंड है केंद्र का उसको रोक रही है और 2024 को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें उम्मीद है कि नहीं मिलेगी और भाजपा की दिल्ली के आगे जो है जो भीख नहीं मांगेगी, जबकि वो माताओं से जो है वो अपनी साड़ी का पल्लू फैला कर जो है इसके लिए धाने का। ममता बनर्जी जी की राजनीति इसी तरह की रही, खाओ और दूसरे पर आरोप लगाओ। कट मनी के लिए जाने वाली ममता बनर्जी जी की सरकार एक नहीं अनेक योजनाओं में, बच्चों के मिड डे मील में भी घोटाला कर जाए, लोगों के पीने के पानी में जल शक्ति मिशन में घोटाला कर जाए, भारत सरकार से आए अनाज के कोविड के टाइम पे उसमें इनकी हेराफेरी हो जाए, ये एक नहीं अनेक उदाहरण ममता बनर्जी जी के भ्रष्टाचार के इनके सरकार के आगे आए हैं। और नौकरियों के नाम पर खुली छूट और करोड़ों रुपए डकारने वाले इनके मंत्रियों के चेहरे भी सामने आए हैं। ममता बनर्जी जी चेहरा बेनकाब हो चुका है, दीदी और दीदी की सरकार भ्रष्टाचार के बदनाम हो चुकी है। लंबे अंतराल के बाद जो है धर्मशाला में IPL मुकाबले होने जा रहे हैं, किस तरह देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से? मेरी शुभकामनाएं, जब भी मैचेस होते हैं इससे देश और दुनिया भर में धर्मशाला की खूबसूरती, हिमाचल के कल्चर को दिखाने का अवसर मिलता है और जब दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदान HPCA क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मैचेस हों तो लोग इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार करते हैं। देश भर से पर्यटक भी आएंगे और क्रिकेट प्रेमी भी आएंगे। सर, विपक्ष जो है 2024 के लिए एकजुट हो रहा है, दिल्ली में जो है शरद पवार भी जो है अर्जुन खड़गे से और नीतीश कुमार भी जो है मतलब मीटिंगें कर रहे हैं, क्या देखते हैं विपक्षी एकजुट?
एक अनार 100 बीमार, ये हालत विपक्षी दलों की। ये सब इकट्ठे भी हो जाएं तब भी मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम किया है और पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। भ्रष्टाचार के दल दल में फंसे ये दल, ये केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छिपाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, सत्ता का सुख पाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये ना देश के लिए पहले कुछ कर पाए ना कुछ करने की सोच रहे। क्या लगता है भाजपा का जीत का रोक पाएंगे?